So hello everyone, my name is Sobia Fatima, I'm EBS third professional student from Nalanda Medical College, Patna. And अभी फिलहाल अपने घर पे हैं and हम सोच रहे थे कि किस टॉपिक पर आप लोगों के लिए वीडियो बना. तो मेरे जहन में ख्याल आया कि हम कुछ कुक करते हैं आज. आज घर पे मटन आया था तो हमको बहुत टाइम से मटन हलीम खाने का मन था, जिसको बहुत से लोग गलीम भी बोलते हैं क्योंकि वो उसमें दाल पड़ते हैं. सो हमको लगा कि बहुत से लोगों को इसकी रेसिपी नहीं पता होगी या बहुत से लोगों को नहीं आता होगा बनाने, तो हम आप सबको ये रेसिपी बनाकर दिखाएं खुद से, क्योंकि मुझे आती है. एंड आप लोग देखें कि हाँ, एक MBBS स्टूडेंट एक मेडिको कुक भी कर सकती है. इसका क्या एक्सपीरियंस रहता है वो सब वीडियो में ही दिखेगा. तो गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको जल्दी से प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको और ऐसे अमेजिंग व्लॉग्स मिलते रहे मेरी तरफ से. एंड आप सभी मेरे तरह हैप्पी रहे. सो लेट्स बिगिन. तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम सारे इंग्रेडिएंट्स अपना यहीं पर रखे हुए हैं. आप देख सकते हैं मटन भी है एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट है, प्याज है, उसके साथ ही अलग अलग तरह के मसाले हैं, साथ ही तेल भी है. एंड यहाँ पर लग गया कुकर. तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी कुकिंग. सो गाइज, जहाँ तक कुकिंग की बात है तो हमको कोई भी रेसिपी ऐसी याद नहीं रहती है, तो हम हमेशा से सर्च करके यूट्यूब पे कोई भी रेसिपी बनाते हैं, उसे हमको हेल्प मिलता है. एंड जब से हम हलीम का रेसिपी देख ली है, उसको खोल रहे हैं. एंड ये बात है कि मैं अपनी ही रेसिपी डालते रहती हूँ अपने चैनल पर, तो हमको ज़्यादा ईजी भी हो जाता है. तो अब स्टार्ट करते हैं कुकिंग. सबसे पहले क्या करेंगे, आप सब मेरे साथ बने रहिएगा एंड देखते रहिएगा कि हमसे कोई गड़बड़ ना हो. एंड दोस्तों, कुकिंग स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि हम मटन बना रहे हैं, तो जो भी वेजिटेरियंस हैं वो प्लीज़ वीडियो मत देखें अगर उन्हें पसंद नहीं है. एंड दूसरी चीज़ एक और, कि ये रेसिपी बनाने से पहले आपसे एक सवाल, कि आधा किलो मटन में कितनी कैलोरीज होती हैं, आप लोग मुझे ये कमेंट्स करके बताइएगा. एंड जिसका भी पहला कमेंट रहेगा करेक्ट आंसर, उसको मिलेगा हमसे बात करने का मौका. अब चलते हैं आगे. सो गाइज, आप देख सकते हैं ये सारे दाल चावल हैं. ये बासमती राइस है जो 3 टेबल स्पून हम लिए थे. ये था हमारा मसूर की दाल थी 2 टेबल स्पून. उसके बाद अरहर दाल है 1 टेबल स्पून, चना दाल है 1 टेबल स्पून, उड़द की दाल है एंड साथ ही साथ मूंग दाल है एंड 100 ग्राम दलिया है. तो ये सबको पहले भिगा के 4-5 घंटे के लिए हम रख दिए थे. अब हम क्या करेंगे, मटन बनाएंगे. तो चलिए मटन बनाते हैं. सो गाइज, अभी के टाइम में जब भी आप किचन में कुछ बनाए तो एक गमछे वमछे साथ में रखा करिए, क्योंकि बहुत पसीना होता है गाइज. एंड आप क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को रिफाइंड ऑयल जो है वो 4 से 5 चम्मच डालना है. रिफाइंड ऑयल को डाल देंगे. रिफाइंड ऑयल डालने के बाद उसको थोड़ी देर गर्म करेंगे. रिफाइंड ऑयल डला रहा है गाइज. तेल जब गर्म हो जाए, जब इसके अंदर से गर्म वाला वो आवाज़ आने लगे, क्या उसको बोलते हैं चिट्टी चिट्टी जो भी आवाज़ आता है, तो उसके बाद जो हम लोग काटे हुए थे 4 मीडियम साइज का प्याज हम काटे हुए थे, इसको डाल देंगे तेल में. तो ये बहुत ही भयंकर प्रोसेस होता है, हमको डर होता है, थोड़ा सा गैस उसको कम कर देते हैं. हाँ, तो डला गया एंड अब इसको मिक्स कर देते हैं हम लोग. इसको ज़्यादा देर तक नहीं चलाना है, इसको 3 मिनट तक आप लोग इसको भून लें. जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है, या तो आप अपने से बना सकते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट, या अगर आपके पास टाइम कम है तो आप मार्केट से पैकेट आते हैं उसको खरीद के ला सकते हैं. तो 4 छोटे चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/3 स्पून जो होता है वो हम लोग को डालना है. अम्मी मेरी 1 टेबल स्पून ये अमेजन या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी, तो इतने छोटे छोटे आते हैं साइज के हिसाब से. सो हम 4 टीस्पून डाल दे रहे हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट. जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के भी इसको मिक्स करना है. इसको ज़्यादा देर तक मिक्स नहीं करना है, इसको 30 सेकेंड्स तक बस मिक्स करना है. अच्छे से आप सोचिए कि आपके पैसे बच रहे हैं, 30 सेकेंड्स कितना देर में हुआ, लगातार बार बार टाइम देखते ही रहेगा. एक अंदाज़ा होता है कुकिंग करते करते, आपको एक अंदाज़ा आ जाता है, ऐसा मेरी अम्मी कहती है. हम तो मेनली प्याज को पूरा मिक्स कर रही है, इसको आपको दिखा देगा, क्योंकि अब जब हम लोग प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल चुके हैं, 30 सेकेंड्स भी हो गए होंगे अभी तक, तो हम लोग फाइनली अपना मटन डाल देते हैं. मटन डाल रहे हैं. मटन आपको ज़्यादा गलमा वाला पीस नहीं लेना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको थोड़ा चर्बी टाइप का पीस ही लेना चाहिए, उससे टेस्ट अच्छी आती है उनकी.
मिक्स करते हैं। मटन को भी 30 सेकंड से 1 मिनट तक मिक्स करना है, ज़्यादा देर तक नहीं। अच्छे से मिला देना है आपको मटन को। तो गाइज आप देख सकते हैं कि हम मटन को मिला चुके हैं पूरा अच्छे से। तो गाइज जैसे कि आपने देखा कि मटन डला चुका है, तो अब हम लोग को डालना है इसमें मसाले। स्टार्ट करते हैं हम लोग हल्दी पाउडर से, वो हम लोग को 1/2 टीस्पून डालना है हल्दी पाउडर। सो गाइज हम मसाला डाल दिए, हल्दी पाउडर डाल दिए, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिए, 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिए। उसके बाद हमको नमक डालना है थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से, तो हम 1 चम्मच डाल दे रहे हैं। हाँ 1 चम्मच डाल दे रहे हैं नमक। जैसा रहे भाई जैसा बने, हमको सबसे ज़्यादा टेंशन यही रहता है मसाला डालने में। उसके बाद गरम मसाला भी थोड़ा सा डालना था, गरम मसाला ज़्यादा हो जाता तो टेस्ट बहुत ख़राब हो जाता है गाइस। थोड़ा सा ही डालना है, 1/2 टीस्पून के अराउंड थोड़ा सा कहीं डालना है बस। हमको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कुछ ख़राब हो जाएगा, वापस से पूरा मिक्स करना है। थोड़ा सा हमसे धनिया पाउडर साइड में गिर गया, तो उसको माइंड नहीं करिएगा। सो हमने इसमें डाल दिए हैं सारा के सारा इंग्रेडिएंट्स। सो अब इसमें क्या करना है गाइस, हमको लगता है इसको अब ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। अब ये बताइए, एक और सवाल है आप लोग के लिए कि हम लोग कोई भी रेसिपी में लहसुन अदरक का पेस्ट क्यों डालते हैं, उसका क्या फायदा होता है? पुराना गैलरी खाली करते हैं तब तक के लिए। सो गाइस जब तक कि हमारा मटन हो रहा है, मतलब अपने अपने अंदर अंदर पक रहा है, तब तक जितना भी जितना भी चावल और जितना भी दाल ये सब हम फुला के रखे थे, मतलब भिगो के रखे थे, सबको हम एक कुकर में डाल ले रहे हैं, दाल को डाल रहे हैं। सॉरी बहुत ही खराब था ये। तो गाइस आपको दिखा देंगे सब डालने के बाद। अकेले क्या करें, अकेले वीडियो बनाना पड़ता है, यही सब दिक्कत हो जाती है, एक ही एंगल से आप लोग पूरे टाइम देख रहे हैं। अब क्या ही कर सकते हैं गाइस। अरे लग रहा है कि मटन हो रहा है, इसको खोल के एक बार चेक करना पड़ेगा। हम पहले सारा सामान डाल दें इसके अंदर, डालने के बाद हम लोग थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे जिससे कि ये गलेगा। तो हम लोग सारा चीज़ डाल दिए, दलिया भी लास्ट में सब डाल दिए। जा गाइस ये मटन चिपकने लगा थोड़ा, तो इसमें जल्दी से पानी डालना होगा गलाने के लिए। सॉरी टू से बट ये जलने लगा था, हम ध्यान नहीं दिए, थैंक गॉड चांस से खोल के चेक कर लिए। तो हम इसमें फिर से पानी डाल दिए हैं ताकि अब ये गल जाए थोड़ा सा, तो गलने के लिए पानी डाल दे रहे हैं। गल जाएगा तो एकदम फाइनल रेडी हो जाएगा गाइस। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग खुशबू आ रही है गाइस, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। सो गाइस हम कुकर की सीटी लगा दिए हैं, अभी जब वो मतलब हो जाएगा, क्या उसको कहते हैं भाई, हमको सीटी से ऐसे भी डर लगता है, जब गल जाएगा तो सीटी दे देगा आगे, तो वेट करते हैं। तब तक के लिए अपना दाल से पानी वानी डालते हैं, जो आप लोग देख सकते हैं दाल सब कुछ मिक्स कर दिए, पानी डाल देते हैं तो ताकि गल जाए। जैसा कि हमें बताया है गाइस कि 4-5 सीटी के बाद हमारा मटन पूरी अच्छी तरीके से गल जाएगा, तो उसे पहले भी गल सकता है, तो हम लोग रहने के बीच में चेक करेंगे। तब तक के लिए हम लोग दाल में पानी के अलावा बाकी इंग्रेडिएंट्स भी डाल देते हैं, एंड उसके अलावा नमक डालना है 1 टेबल स्पून, एंड उसके साथ ही हम लोग को 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डालना। गाइस सो आई डोंट लाइक दिस सीटी वाली थिंग, तो अब हम लोग को 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालना है। हल्दी पाउडर भी डला गया, तो हम लोग इसको मिक्स कर देंगे दाल को। ये ऐसे ही आवाज करते रहेगा कि इसको कम करना है।
गाइस काम कर दें क्या आप लोग बताइए तो थोड़ा सा काम कर देते हैं हम। समझ में ऐसे तो नहीं आ रही क्या करना, फिर कम कर दिए। एंड अब दाल चढ़ा देते हैं, दाल को गलने के लिए चढ़ा देते हैं। वेयर इज माई लाइटर? आप लोग देख सकते हैं डिफरेंट टाइप का लाइटर है, इसमें सिर्फ ऐसे करता है ऐसे करना एंड ये जल जाता है। ये हम चढ़ा दिए अपना दाल, ये पकते रहेगा अपना। सो गाइस टिल द टाइम एक कुकर में मटन पक रहा है, दूसरे कुकर में हमारे दाल हो रहे हैं। इसके बाद का प्रोसीजर बहुत ईजी है, जब पूरा का पूरा दाल कंप्लीट हो जाएगा गल के सीटी दे देगा एंड जब हमारे हिसाब से मटन भी हो जाएगा तो उसके बाद से हम लोग को कुछ अलग से पकाना नहीं है। बस एक बड़ी सी डेगची लेनी है, उसके नीचे बटर लगाना है एंड सारे दाल डालने हैं एंड उसके ऊपर से साथ पूरा मटन डालना है, उसको मिक्स कर देना है एंड फिर हमारा दलीम हलीम कम्प्लीट हो जाएगा। तो बस हम वेट कर रहे हैं सब होने का एंड आप देख सकते हैं कि मतलब रेसिपी उतनी टफ नहीं थी, बट हाँ गर्मी बहुत है तो उसके वजह से हालत एकदम ख़राब हो गया है। अम्मी अबू तो बीएससी में अपने लेटे हुए आराम से आया, नीचे जाके गेम खेल रहा है अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है एंड सानिया भी अभी अपनी फ्रेंड लोग के साथ बाहर से आई है तो वो भी अपने रूम में सोई हुई है। तो गर्मी तो हमको भी बहुत लग रही है, बट हाँ ये रेसिपी बनानी थी इस वजह से हम किचन आ गए। काश किचन में भी एसी होता, किचन में भी आपको नहीं लगता गाइस एसी होना चाहिए था? तो सेंट्रलाइज एसी होता, हम ज़्यादा ही सोचे हैं, बट हाँ होना चाहिए था। उससे क्या रहता है कि मतलब ऐसे पकाने में इजी होता है, जैसे मैं हम हॉस्टल में पकाते हैं इंडक्शन में तो हमको गर्मी नहीं लगती है, बट यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर कुछ साधन नहीं है तो गर्मी लग रही है। पंखा भी चला नहीं सकते वरना फिर गैस ख़राब हो जाएगा। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है ये जो मटन गल रहा है, हम चाहते नहीं कि ज़्यादा भी गल जाए ना एकदम कम भी रहे, तो हमको थोड़ा सा भी देखना पड़ेगा वीडियो चेक करके कि मतलब थोड़ा टाइम बाद अभी जस्ट नहीं कि कितना गला है, बहुत डिपेंड करता है गलने पर मटन का डिश। तो आई गेस अब हमारी दाल हो गई है, अब इसको हम खोल कर देखेंगे। सो गाइज ये रहा हमारा दाल बन के तैयार, इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल दिए हैं आधा एक गिलास ताकि थोड़ा सा गीला रहे। अब हम लोग अपना मटन चेक करते हैं गाइज। तो आप देख सकते हैं मटन कितने मज़े का लग रहा है, अभी जस्ट हम इसको निकाले हैं एंड मेरे हिसाब से ये गल भी चुका है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। सो गाइज हमारा मटन पूरा रेडी है, तो अब हम लोग इसमें एक डेगची में पहले घी डालेंगे 2 चम्मच, उसके बाद बाकी का प्रोसेस करते हैं। हम लोग घी डालें उसके बाद 2 तेज़पत्ता डालें एंड अब फाइनली अपने जो दाल था उसमें थोड़ा सा जो पानी डाले हुए थे ये पूरा का पूरा उसी में डाल देंगे। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि पूरा दाल पूरा का पूरा कैसे हो गया, पूरा का पूरा दाल डाल दिए एंड अब हम इसमें मटन डालेंगे अपना एंड ये मेरा सेल्फी स्टिक कैसे कैसे हो गया। तो अब इसी दाल में पूरा का पूरा मटन डाल दिया जाएगा आपको, वो गर्म है साफ ही से पकड़ना होगा। तो गाइस मटन डला गया पूरा, आप देख सकते हैं, अब इसको मिक्स कर देंगे। सो गाइस मटन डालने के बाद हम उसको मिला दिए पूरा अच्छे से एंड आप जब इसमें उबाल आ जाएगा तो उसको 5 मिनट के लिए सिमर करके रख देंगे एंड तब हो जाएगा। गाइस आप देख सकते हैं कि उबाल आने लगा है, अब हम लोग इसको थोड़ा सा कम कर देंगे फ्लेम को एंड 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही पकाएंगे, फिर रेडी हो जाएगा, फिर उसको हरी मिर्ची से गार्निश कर देंगे। सो गाइज आप देख सकते हैं कंप्लीट हो चुका है एंड बहुत ही ज़्यादा यम्मी दिख रहा है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इसको। अब बस अम्मी को चखाना है, गार्निश करना है इसको हमको भुना हुआ प्याज और हरी मिर्च से एंड उसके अम्मी को टेस्ट करवाना है। तो गाइज आप देख सकते हैं कि रेडी हो चुकी है, इसमें हम भुना हुआ प्याज और ये मिर्ची डाल दिए। अब अम्मी को बुलाते हैं, अम्मी आई आई। सो अम्मी अब आप टेस्ट करके बताइए कि हलीम कैसी लग रही है, बहुत गर्मी है मैंने बनाया। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है, यस टेस्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत लजीज है, जैसा आप बनाती हैं वैसे ही ना। हाँ और नमक बहुत अच्छा है, अम्मी का रेसिपी देख के ना मकदार में पड़ना चाहिए, इंग्रेडिएंट्स सारे बहुत अच्छी तरह से सबका फ्लेवर पता चल रहा है और माशाल्लाह बहुत मजा आएगा। कैन अ मेडिको कुक अम्मी आपसे सवाल? ऑफ कोर्स अ मेडिको कैन कुक वेरी प्रॉपरली एंड her meals are very delicious as you are seeing in Subhya's case. Thank you.